अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मुनास किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। तो जनाब, आज हमारे किचन में बना है बहुत ही शानदार मज़ेदार मटन स्पाइसी धुआं गोश्त, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। आपको मज़ा आ जाएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल मुनास किचन को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। 1 किलो मटन का गोश्त है, आप यहाँ पर बीफ का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 दरमियाने साइज़ की प्याज हैं, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें हैं, 1 टीस्पून काली मिर्च है, 2 बड़ी इलायचियां हैं, 3 छोटी इलायचियां हैं, 4 से 5 यहाँ पे लौंग हैं, और 1 सिनेमन स्टिक है, दालचीनी, और 1 बे लीफ है, तेज़पत्ता, 1 टीस्पून यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून यहाँ पर धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून यहाँ पर नमक है, 1 टीस्पून यहाँ पर भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है, और 4 से 5 यहाँ पर साबुत गोल मिर्चें हैं, और ये जो है ये थोड़ा सा 1/2 टीस्पून यहाँ पर गरम मसाला है, 1/2 टीस्पून यहाँ पर काली मिर्च है, 6-7 यहाँ पर लहसुन की कलियाँ मैंने ली हैं, और यहाँ पर 2 पीस इस तरह के अदरक हैं, इनको मैं पीस लेती हूँ, 1-1 टेबल स्पून ये दोनों बन जाएंगे पीसने के बाद। 1 कप दही मैं इस्तेमाल करूंगी, फेंट लिया अच्छी तरह से। पैन में यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल डाला है और उसमें प्याज डाल लिया। प्याज को हमने गोल्डन करना है, साथ ही मैं यहाँ पे ये स्पाइसेस जो आपको दिखाए हैं ये भी डाल देती हूँ। ये साबुत गरम मसाले हैं, ये भी हम साथ में डाल लेते हैं ताकि इनकी प्याज में बहुत ही अच्छी सी भीनी भीनी खुशबू आ जाएगी, और इसे हम गोल्डन कर लेते हैं। प्याज यहाँ पे गोल्डन हो चुकी है, बस हमने इतनी ही करनी है, ज़्यादा डार्क नहीं करनी है। और यहाँ पे अब जो लहसुन अदरक मैंने आपको दिखाया था इसका पेस्ट बना लिया, ये इसमें डाल देती हूँ, और 1 मिनट के लिए इसे हम भून लेते हैं साथ में। लहसुन अदरक पेस्ट को 1 मिनट तक भूनना है मैंने, और अब ये इसमें गोश्त ऐड कर लिया है, गोश्त भी हम डाल के तकरीबन यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। साथ ही मैं ये टमाटर जो हैं ये भी डाल देती हूँ। और ये जो तमाम स्पाइसेस थे वो इसमें डाल देते हैं, 1 मिनट तक मज़ीद भुनाई कर लेते हैं इन सब चीज़ों के साथ। 1 कप के करीब यहाँ पे दही डाल देती हूँ और इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। 2 से 3 मिनट तक मज़ीद हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। 2 गिलास पानी इसमें शामिल कर देती हूँ, और ये 2 गिलास पानी। बस अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और कवर करके इसको तकरीबन 40 मिनट्स के लिए मैं पकने देती हूँ। बाज़ औक़ात गोश्त जो होता है बड़े जानवर का होता है वो देर में गलता है, आप टाइम नोट कर लीजिए और पानी अपने हिसाब से डालना गोश्त के हिसाब से। तो अब इसे मैं कवर कर देती हूँ। गोश्त को गलते हुए 40 मिनट्स हो चुके हैं, मैंने बीच में 1 से 2 मरतबा चेक भी किया था, तो 40 मिनट्स हो गए हैं। अब दोबारा से चेक करते हैं गोश्त हमारा सॉफ्ट हो गया है या नहीं। ये देखें गोश्त हमारा गल चुका है और मसाला जो है वो बिल्कुल भुनने पर आ गया। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, और थोड़ी सी यहाँ पे मैंने अदरक है बारीक बारीक से मैंने इस तरीके से चॉप की हुई है ये डाल देती हूँ, सब्ज़ मिर्चें हैं बारीक कटी हुई ये डाल देती हूँ, और 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने इस तरह से बड़ी रखी थी मोटी। आप स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा खुद रख सकते हैं, बहुत ही स्पाइसी बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। इस मसाले में बनाएं आपको भी यकीनन पसंद आएगा। तो ये देखें ये एक कोयला है, इस तरह से मैं चम्मच में रख लेती हूँ, आप किसी भी चीज़ में रखें। और इसके ऊपर अब मैं थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ, बस ऑयल डालने से इसमें जो है वो एकदम से स्मोक निकलती है, धुआं निकलता है, और इसे कवर कर देती हूँ। गैस फ्लेम मैंने यहाँ पे बंद कर दी है, और यहाँ पे जो है स्मोक इसमें बन गई है, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसे कवर रहने देंगे और उसके बाद हम कोयला निकाल देते हैं। तो ये देखिए किस कदर यहाँ पे
धुआं था, इसका फ्लेवर आ गया। ये चम्मच अब मैं बाहर निकाल देती हूँ। निहायत मज़ेदार रेसिपी है, हमेशा की तरह ये भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल मुनास किचन को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने पहले से मुनास किचन को सब्सक्राइब किया हुआ है तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग मुनास किचन।